उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के शासन के निर्देशानुसार कृषकों की समस्याओं के निराकरण के लिए जनपद स्तर पर माह के तृतीय बुधवार को विकास भवन सभागार माती कानपुर देहात में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार कक्ष में आयोजित किया गया, जिसमें सुंदर सिंह कुंदनपुर रनिया के द्वारा सहजन की खेती को बढ़ावा देने के लिए इसकी गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया। गया सिंह ग्राम कुरारी सरवन खेड़ा ने धान की फसल में झाड़ू वाले घास के द्वारा काफी अधिक नुकसान एवं राम सेवक राजपूत ग्राम बनार अलीपुर अकबरपुर ने धान की फसल में कंडवा रोग एवं खरपतवारों के लिए नियंत्रण के लिए उचित सुझाव मांगे, जिसमें झाड़ू वाली घास के लिए फसल काटने के उपरांत ग्लाइफोसेट एवं अन्य चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए प्रेटिलाक्लोर ब्यूटाक्लोर के छिड़काव की संस्तुति की गई। शिवराम ग्राम दस्तमपुर ने मिर्च की खेती में नुकसान होने की बात कही, जिसके संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने संयुक्त टीम के द्वारा निरीक्षण कर समस्या का निदान करने को कहा। जनपद में मानसून के लेट आने के कारण नहरों में सिंचाई न पहुंचने के कारण किसरवल माइनर के अपर अभियंता दिनेश चंद्र का मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा चेतावनी देते हुए वेतन रोके जाने की भी बात कही है। वहीं बकरी पालन के लिए रुचि रखने वालों के लिए प्रशिक्षण अनुसंधान फरहा मखदूम मथुरा में प्रशिक्षण कराया जाएगा। कृषि दिवस में खेती से संबंधित 8 कृषकों के द्वारा शिकायत की गई, जिनमें 2 शिकायतों के त्वरित निस्तारण किए गए। सिंचाई विभाग के जेई द्वारा लापरवाही पर मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर उप निदेशक कृषि विनीत कुमार यादव आदि विभागों के अधिकारी और कृषक भाई उपस्थित रहे। विराट 24 न्यूज के लिए कानपुर देहात से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। अभी तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा था।